तो आपको भी यहाँ पे वही देखना है, अगर ऑप्शन में फियोफाइटिन है तो फियोफाइटिन को करिए पहले, अगर ऑप्शन में फियोफाइटिन नहीं है तो प्लास्टोक्विनोन ज़रूर मिलेगा, और अगर दोनों ही हैं तो आप पहले किसको करेंगे, प्लास्टोक्विनोन को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्लास्टोक्विनोन ही दिया हुआ है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी जो वीडियो है दैट इज ऑन लाइट रिएक्शन एंड हिल रिएक्शन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन में कितने फोटोसिस्टम्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। वी विल सी डिफरेंसेज इन बोथ द टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद फोटोसिस्टम फर्स्ट। सबसे पहले देखिए फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू, दो तरह के फोटोसिस्टम्स होते हैं जो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिस्टम वन जो है इसका जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर इज नथिंग, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, व्हाट इज रिएक्शन सेंटर अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, और ये जो रिएक्शन सेंटर है उसको P700 बोलते हैं, बिकॉज ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, जबकि PS2 जो है फोटोसिस्टम 2 उसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर का की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं P680। सो वाई दे आर नोन एज P700 एंड P680, इसका यही रीज़न है कि ये जिस तरह की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसी के बेसिस पे इनको नाम दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोटोसिस्टम 1 लाइज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ थायलाकॉइड, थायलाकॉइड के आउटर सर्फेस पे मिलता है, एंड फोटोसिस्टम 2 लाइज ऑन द इनर साइड ऑफ थायलाकॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिस्टम 1 कैन बी सीन इन बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, तो ग्राना आपको पता होता होगा, थायलाकॉइड की स्टैकिंग को बोलते हैं, ये ग्राना है। ठीक है, एक सिंगल जो है ये थायलाकॉइड्स होते हैं। सो व्हेन थायलाकॉइड्स आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर लाइक अ पाइल ऑफ कॉइंस, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ग्राना। सो ये आपको ग्राना में भी और स्ट्रोमा लैमेले दोनों में मिलेंगे। स्ट्रोमा लैमेले इस वाले डायग्राम में दिखा रखा है मैंने, वहाँ देख लेंगे हम। और ये आपको सिर्फ कहाँ मिलता है, फोटोसिस्टम 2, दैट इज इन ग्राना लैमेले ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि फोटोसिस्टम 2 इज इन्वॉल्व ओनली एंड ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रोल इन साइक्लिक। राइट, अब देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। सो फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी की सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर मिलकर लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनाए, दैट प्रोसेस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ये दो तरीके से होता है, वन इज साइक्लिक एंड अनदर वन इज नॉन साइक्लिक। सबसे पहले देखिए साइक्लिक में ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो जो साइक्लिक होगी उसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा, नॉन साइक्लिक के अंदर PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स ऑन नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्राना एंड स्ट्रोमा थायलाकॉइड बोथ, जबकि नॉन साइक्लिक कहाँ होती है, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्राना थायलाकॉइड ओनली। तो अभी देखिए ये हैं आपके थायलाकॉइड्स, ये सिंगल सिंगल रेड जो मैंने बनाए हैं थायलाकॉइड्स हैं, और इनकी पूरी स्टैकिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्राना। ठीक है, अब हमने पढ़ा था फोटोसिस्टम 1 कहाँ मिलता है, आउटर सर्फेस ऑफ थायलाकॉइड। तो देखो मैंने फोटोसिस्टम 1 आउटर सर्फेस पे ही बनाया है, और आउटर सर्फेस को ही नॉन अप्रेस्ड बोलते हैं, आउटर को ही क्या बोला जाता है, नॉन अप्रेस्ड। ठीक है, और जो इनर सरफेस है उसको अप्रेस्ड बोला जाता है। ठीक है, इनर सरफेस को क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड। तो ये पॉइंट हम वैसे ऊपर देख ही चुके हैं कि आपका PS1 हमेशा कहाँ मिलता है, आउटर में। तो देखो मैंने आउटर आउटर में PS1 बनाए हैं दोनों में। ठीक है, और PS2 मिलता है अप्रेस्ड पार्ट में, इनर साइड में। तो ये देखो मैंने PS2 यहाँ बनाए हैं, ठीक है, ब्लू वाले। सो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ये पूरी स्टैकिंग होती है थायलाकॉइड्स की, ऊपर ऊपर वाले आउटर सरफेस में PS1 मिलता है, और जो इनर सरफेस होता है उसमें आपको PS2 मिलता है। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या है, एक ग्राना के थायलाकॉइड्स दूसरे ग्राना के थायलाकॉइड से इस लेयर के थ्रू जुड़े होते हैं, इस लेयर को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ये है देखो, ये सब थायलाकॉइड्स है 1, 2, 3, 4, इनकी पूरी स्टैकिंग को ग्राना बोलते हैं। तो ये भी एक ग्राना है यहाँ पे जो दिख रहा है, तो इस ग्राना के थायलाकॉइड और इस ग्राना के थायलाकॉइड आपस में एक लेयर से जुड़े हुए हैं, उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। और क्योंकि ये जो लेयर है इसमें कोई आउटर और इनर सर्फेस है ही नहीं, इसमें बस एक ही सर्फेस है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉन अप्रेस्ड, है ना, इसलिए इसको नॉन अप्रेस्ड पार्ट बोल देते हैं, और ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे PS1 ही मिलता है।
ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि PS1 आपको हमेशा नॉन अप्रेस्ड मतलब आउटर पार्ट पे मिलेगा और PS2 हमेशा अप्रेस्ड, अप्रेस्ड मतलब सप्रेस्ड समझ सकते हो, जो अंदर होता है वहाँ मिलेगा। अब क्योंकि स्ट्रोमा लैमेले में कोई अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर है, आउटर ही मान लेंगे उसको हम लोग नॉन अप्रेस्ड, इसलिए वहाँ पे सिर्फ PS1 मिलेंगे, PS2 नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली ATP इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो सिर्फ ATP बनती है, जबकि नॉन साइक्लिक में बोथ ATP एंड NADPH दोनों बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। नेक्स्ट है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में O2 इवॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज यहाँ पे वाटर ही यूज़ नहीं होता, वाटर इज नॉट फोटोलाइज्ड, वाटर की फोटोलाइसिस ही नहीं होती। तो जब वाटर की फोटोलाइसिस ही नहीं होगा, वाटर से ही तो ऑक्सीजन आ रही थी, तो ऑक्सीजन नहीं आएगी। जबकि नॉन साइक्लिक में वाटर का फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, वाटर का फोटोलाइसिस होगा, मतलब फोटोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब वो होगा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। नेक्स्ट है, सीन ओनली इन बैक्टीरिया। ये जो साइक्लिक वाला है ये सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है, प्लांट्स में बहुत रेयरली होता है या नहीं होता है। जबकि नॉन साइक्लिक आपको कहाँ मिलेगा? साइनोबैक्टीरिया में एंड ऑल प्लांट्स में। नेक्स्ट है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। अगर आपको ये ना मिले ऑप्शन में तो आपको फेरेडॉक्सिन ज़रूर मिलेगा, तो आप फेरेडॉक्सिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा अपना कि अगर FeS प्रोटीन दिया है और प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आप FeS कर दीजिए। अगर ऑप्शन में है ही नहीं FeS तो फेरेडॉक्सिन ज़रूर मिलेगा, और फेरेडॉक्सिन इज ऑल्सो एन FeS प्रोटीन ओनली। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज प्लास्टोक्विनोन, PQ बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, पर एक्चुअल में PQ नहीं है, फियोफाइटिन होता है, PHEO, फियोफाइटिन। तो आपको भी यहाँ पे वही देखना है, अगर ऑप्शन में फियोफाइटिन है तो फियोफाइटिन को करिए पहले, अगर ऑप्शन में फियोफाइटिन नहीं है तो प्लास्टोक्विनोन ज़रूर मिलेगा, और अगर दोनों ही हैं तो आप पहले किसको करेंगे? प्लास्टोक्विनोन को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT प्लास्टोक्विनोन ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो DCMU है एक केमिकल है, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जबकि नॉन साइक्लिक पे ये उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, सीन इन प्लांट्स व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है वो है PS1, और PS1 को चाहिए होती है 700 नैनोमीटर की लाइट। ठीक है ना, 700 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया? मोर देन 680 हो गया ना, राइट? तो ऐसे भी लाइन लिखी रहती है, NCERT की लाइन है, ऐसे लिखा होता है कि जब मोर देन 680 नैनोमीटर की लाइट देंगे तो फिर कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, तो याद रखना ये वाला। और ये कब मिलेगा नॉन साइक्लिक? व्हेन लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर इज गिवन, क्योंकि यहाँ पे PS2 है और PS1 भी है वैसे तो, पर अगर जनरली देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरह की 680 भी और मोर देन 680 भी चलेगी। ठीक है, एंड मोर देन 680 भी लिख लीजिए आप। ठीक है, दोनों चलेंगी, बिकॉज दोनों फोटो सिस्टम है, ये PS1 के लिए है। नेक्स्ट देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइक्लिक है, साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जबकि यहाँ पे जेड लाइक मैनर में ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं पहले, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर वापस ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये ऑर्डर रहता है। तो ये जेड की तरह लग रहा है ना, इसीलिए इसको जेड स्कीम बोल देते हैं। ठीक है, और जेड स्कीम यहाँ पे नहीं होती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक नहीं है, आप देख सकते हो, नॉन साइक्लिक है, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं, और अनदर टर्म है इसके लिए जेड स्कीम। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं बिटवीन फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और एक और चीज़, आपको इन सभी वीडियोज़ की जो नोट्स हैं उनकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे ऊपर भी शो कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।